हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैं आपको फिजिक्स एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 14 को कंप्लीट करवा रहा हूं, जिस पर मैं आपको लॉजिक गेट सारे कंप्लीट करवा चुका हूं। पीएन संधि अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में भी करवा चुका हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं एलईडी क्या होती है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट मीन्स होता है प्रकाश, इमिटिंग मीन्स होता है उत्सर्जक, डायोड मीन्स होता है डायोड यानी आप इसे बोल सकते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड। अब बात आती है कि जैसे आ जाएगा एलईडी का पूरा नाम लिखो, इसका कार्य लिखो, इसकी रचना और कार्य भी दिखा रहा। तो सबसे पहले आपको उत्तर यहाँ पे डाल देना है और इस उत्तर में आपको क्या लिखना है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको उत्तर में लिख देना है कि यह है कौन, यह एलईडी आपका कार्य क्या करता है। तो एलईडी आपका कार्य यह करता है दोस्तों, ये जो विद्युत ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा, इसे प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यह विद्युत ऊर्जा को, किस ऊर्जा को दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फिर आप को दिखा देता हूँ, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। क्योंकि दोस्तों ये जो बल्ब होता है आपका एलईडी बल्ब यही होता है, तो ये क्या करता है, जो हमारा करंट आता है वो इलेक्ट्रिक होता है, तो हमारा ये विद्युत होता है, तो विद्युत को क्या करता है, लाइट कर देता है, यानी प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो ये तो आप कर सकते हैं, ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को, तो शायद आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। अब बात आती है इसकी रचना कैसे लिखनी, तो सर्वप्रथम ये देखिए दोस्तों मैं बता देता हूँ, ये एक पीएन संधि डायोड होता है जिसे अग्रदिशिक रूप में लगाया जाता है, यानी जब हम पी को प्लस से और एन को माइनस से जोड़ देते हैं तो इसमें वैद्युत धारा पूरी तरह से प्रोवाइड होती है। पी से प्लस होता है, पी पार पॉजिटिव, एन से निगेटिव होता है, तो जब हम पी को पॉजिटिव से और एन को निगेटिव से बैटरी में जोड़ देते हैं तो उस सर्किट में क्या होती है, वैद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। तो यह एक पीएन संधि है, तो हम क्या करते हैं, आप लिखेंगे यहां पर रचना में इतना लिख देना है आपको, उत्तर डाल के क्या लिख देना है, यह इतना लिख देना है, यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। कैसे बदलता है, यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, बस इतना लिख देने के बाद यहाँ पे आपको हेडिंग डाल देनी है रचना। हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है, चाहे यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं, यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। यहाँ पे उत्तर डालने के बाद आप लिख सकते हैं, यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। फिर इसके बाद आप रचना डाल के लिखेंगे, रचना डाल के लिखेंगे क्या, यह एक पीएन संधि डायोड है जिसे अग्रदिशिक के रूप में लगाया जाता है, किसमें, जिसे पीएन संधि, पी को पॉजिटिव से जोड़ दिया और एन को निगेटिव से, तो कायम हो गया अग्रदिशिक में। तो आप बोलेंगे यह एक पीएन संधि है जिसे अग्रदिशिक में लगाया गया है, इसकी सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक धारा समीक प्रतिरोध आर भी लगाया गया है, ताकि अधिक करंट आने पर या अधिक करंट आने पर यह खराब ना हो। ये प्रतिरोध का काम होता है। प्रतिरोध की दोस्तों डेफिनेशन होती है किसी सर्किट में वैद्युत धारा के प्रवाह को रोकना। मतलब जैसे कि मान लीजिए इस एलईडी को 10 वोल्ट के करंट से ये पूरी तरह से जलती रहेगी, आपको प्रकाश प्रदान करती रहेगी। मान लीजिए आपका 10 वोल्ट से 20 वोल्ट का प्रकाश आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि यह एलईडी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो यह एलईडी का जो इतना वोल्टेज करंट आएगा उसको रोकने के लिए हम इस प्रतिरोध का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, इस प्रतिरोध का कार्य करते हैं। तो इस प्रतिरोध को लगा दिया जाता है, जिससे होता क्या है कि इस पूरे सर्किट में जो विद्युत धारा होती है वह तेजी से नहीं प्रवाहित होती और हमारी एलईडी सुरक्षित बनी रहती है। तो इसमें आपको बस यही लिख देना है कि ये रचना में कि यह एक पीएन संधि डायोड है जिसे अग्रदिशिक अभिनत क्रम में लगाया जाता है, इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक धारा समीक प्रतिरोध आर लगा दिया जाता है, जिससे कि यह खराब ना हो। इतना लिख देना है दोस्तों आपको। फिर इसमें आ जाना है आपको क्रियाविध में। मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, जैसे ही आ जाता है एलईडी तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं उत्तर डाल के, पहले जैसे एलईडी कुछ भी आता है तो इसे उत्तर डाल के आपको लिखना है कि एलईडी, सीधे उत्तर डाल के क्या लिखेंगे आप कि एलईडी, या फिर यह एक ऐसी युक्ति है, सीधे यहाँ पे उत्तर डाल के लिखेंगे, यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश ऊर्जा को, जो वैद्युत ऊर्जा को, किसको, ये वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, एलईडी कहलाता है। एलईडी
डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे, जैसे छोटी सी डेफिनेशन आ जाती है एलईडी क्या है, तो आप लिखेंगे यह एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है, एलईडी कहलाता है। क्या कहलाता है? एलईडी कहलाता है। इसके बाद फिर रचना हेडिंग डालेंगे, रचना हेडिंग डाल के आप लिखेंगे यह एक पीएन संधि डायोड है, इसे अग्रदिशीय कैबिनेट में लगाया जाता है। एलईडी की सुरक्षा रखने के लिए एक इसमें धारा समीप प्रतिरोध आर लगाया जाता है, जिससे यह एलईडी जल्दी से खराब ना हो। फिर इसके बाद इसमें क्रियाविधि लिखते हैं, तो क्रियाविधि में दोस्तों क्या लिखते हैं, जब हम पी, यहाँ पे देखो पी पॉजिटिव होता है, मैंने अभी भी आपको बताया, और एन क्या होता है, निगेटिव होता है। जब हम दोस्तों इस एलईडी में पी पॉजिटिव तथा एन निगेटिव आपस में मिलते हैं, तो एक वैद्युत उदासीन हो जाता है। क्या हो जाता है? वैद्युत उदासीन हो जाता है, जिसके कारण एलईडी क्या करने लगती है, प्रकाश का उत्सर्जन करने लगती है। क्या करने लगती है? प्रकाश का उत्सर्जन करने लगती है। बस आपको यही लिख देना है। क्या लिखना है आपको? जब हम पी पॉजिटिव तथा एन निगेटिव को पास में लाते हैं, तो यह जब एक साथ मिल जाता है, तो वैद्युत उदासीन कर देता है। क्या कर देता है? वैद्युत उदासीन कर देता है, जिसके कारण ये क्या होने लगती है, एलईडी हमारी जलने लगती है। क्या होने लगती है? एलईडी जलने लगती है, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं, जिसे दोस्तों हम क्या कह देते हैं, वह जब जलने लगती है, तो वही इसकी क्या कहलाती है, क्रियाविधि कहलाती है। अब फिर इसके बाद इसके उपयोग देख लेते हैं, तो इसका उपयोग टेलीविजन बनाने में, ऊर्जा को बचाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, टेलीविज़न वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो उपयोग हालांकि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट आपका यही है कि आपको सिंपल सा यहाँ से करना क्या है, इसकी सबसे पहले यहाँ पे आपको लिख देना है कि यह एक ऐसी युक्ति है, उत्तर डाल के, जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। और फिर इसके बाद रचना हेडिंग डालनी है, रचना अगर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आता है, रचना में यही लिखना है, यह एक पीएन संधि डायोड है, जिसे अग्रदिशीय कैबिनेट में लगाया जाता है, इसे इसकी सुरक्षा रखने के लिए इसमें हम एक धारा समीप प्रतिरोध आर लगा देते हैं, जिससे कि यह खराब ना हो। फिर इसके बाद क्रियाविधि डालना है, क्रियाविधि में आपको लिख देना है पी प्लस और एन माइनस, पी पॉजिटिव तथा एन निगेटिव जब आपस में मिलते हैं, तो ये आपस में मिलकर वैद्युत उदासीन कर देते हैं, जिसके कारण प्रकाश उत्सर्जन होने लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये सारा टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।